है हमारे पास मारुति सुजुकी बलेनो, जो कि टॉप मॉडल है अल्फा, और ये 2022 का मॉडल है। इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। ये हम 15,000 किलोमीटर तक चला चुके हैं। आज मैं बताऊंगा ये आपको कंसीडर करनी चाहिए, शॉर्ट लिस्ट करनी चाहिए, या फिर सीधा बाय कर देनी चाहिए। तो अब बात करते हैं हम इसके एक्सटीरियर की। तो इसमें फ्रंट प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स आते हैं और 3-point DRLs आती हैं इसमें। बाकी इसकी फॉग लैम्प्स आ जाती हैं नीचे। फॉग लैम्प्स भी इसकी वाइट हैं और प्रोजेक्शन हेडलैम्प जो है वो भी वाइट ही है। बाकी इसकी आगे ग्रिल है, ओपन ग्रिल है, और थोड़े मतलब स्ट्रक्चर इसका फ्लेम्स टाइप है। आगे इसके 360 डिग्री कैमरा आ जाता है और मारुति का सुजुकी का लोगो भाई कितना बड़ा आता है इसमें, ठीक है। इसका बोनट जो है वो काफ़ी अंदर से खुलता है, यहाँ से, बाकी गाड़ियों का यहीं से खुल जाता है, बट इसका यहाँ से खुलता है। बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में आपके टायर्स की सबसे पहली बात करते हैं। टायर्स का साइज़ आपका 195/55 R16 16 इंच के टायर्स हैं। डिसेंट लगते हैं टायर्स देखने में, थोड़ा ब्लैक और क्रोम फिनिश है टायर्स में। बाकी इसमें आगे डिस्क आ जाती है और पीछे ड्रम ब्रेक्स आते हैं, और इसके ऑटोमेटिक ORVMs है। इसमें टर्न इंडिकेटर्स और 360 डिग्री कैमरा का प्लेसमेंट भी यही है। रिक्वेस्ट सेंसर है गेट पे और क्रोम फिनिश के साथ है। ये एसेसरीज में आती है इसके, और पैसेंजर साइड भी आती है इसका रिक्वेस्ट सेंसर, और ड्राइवर साइड भी, दोनों साइड इसके आपके सेंसर आ जाते हैं। बाकी रियर की बात करते हैं। रियर की टेल लैंप्स आपकी वही है जो 3-point आगे है, वही सेम डिज़ाइन इसका पीछे भी दे रखा है। आपके डीफॉगर, सस्पेंशन एंटीना नहीं आता है इसमें, सिंपल एंटीना आता है। आपके हाई स्टॉप लैंप्स आ गए, आपका वाइपर आ गया, इवन वॉशर भी आता है इसमें। बाकी पीछे आपका रिवर्स कैमरा, और अगर आपको इसमें बूट स्पेस चेक करनी है और बूट खोलना है तो इसमें पीछे पहले रिक्वेस्ट सेंसर है, ये लॉक हो गया, ये अनलॉक हो गया। बूट स्पेस बढ़िया है, ये किसी का बच्चा मार रखा है, मजाक कर रहा हूँ, ये कवर है गाड़ी का। बूट स्पेस बहुत बेहतरीन बूट स्पेस है, और यहाँ एक लैम्प भी दे रखा है। बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है, पार्सल ट्रे भी है, और ये रहा आपका सेंसर और रिक्वेस्ट सेंसर है, और ये आपका बटन है बूट खोलने का। बाकी इसमें पीछे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं। ये आपका इंटीरियर है। इंटीरियर में अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम इसका हुड खोलेंगे और देखेंगे इंजन कैसा है। ये पेट्रोल गाड़ी है तो ये इसका इंजन है। ये 1.2 लीटर इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड, जो कि 88 bhp प्रोड्यूस करता है और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। बाकी इसका जो नीचे है वो भी कवर कर रखा है, और मतलब डिसेंट अमाउंट की टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और bhp भी डिसेंट अमाउंट की प्रोड्यूस करता है। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। पहले मैं चाबी दिखा देता हूँ आपको। चाबी इसके ऐसे दिखती है, ये स्किन चढ़ा रखी है भाई ने, बस लॉक और अनलॉक का ऑप्शन है। अनलॉक हुई, गेट 90 डिग्रीज में नहीं खुलते हैं इसके, बट मतलब इतना चाहिए भी नहीं वैसे। अंदर बैठना काफ़ी आसान है, इतना मुश्किल है नहीं। गाड़ी की हाइट ज़्यादा है नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है, तो इनग्रेस आपका आराम से हो जाता है। बात कर लेते हैं ड्राइवर साइड, आपको क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं। आपको चारों विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं, एक ड्राइवर साइड ही ऑटोमेटिक विंडो है। बाकी आपको मिरर अगर लॉक और अनलॉक करनी है सारे डोर्स की, वो उसका बटन है, लॉक अनलॉक का बटन है। आपके ORVMs के कंट्रोल यही हैं, क्लोज, और अगर आपको खोलनी है तो वो भी ये कर सकते हैं। एडजस्ट के लिए आपको ये नॉब दे रखा है, आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और बताएं तो यहाँ थोड़ा सॉफ्ट टच का भी मटेरियल यूज़ करा है, लेदर 8 में है स्टिचिंग। बात करते हैं स्टेयरिंग व्हील की। ये आपका फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है, काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी इसका टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बात करें इसमें जो कंट्रोल्स हैं उसकी, राइट साइड में आपके क्रूज कंट्रोल हैं, लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम अप डाउन और म्यूट का बटन मिल जाता है, और इसके नीचे आपके 3 बटन और हैं। ये इसमें आपको कॉल कट करना है या कॉल उठाना है, या फिर जो वॉइस कमांड है वो अनेबल करनी है उसका है। लेफ्ट साइड में आपको ये ऑटोमेटिक वाइपर्स मिलते हैं, और राइट साइड में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं। और बाकी स्क्रीन, इसकी एनालॉग स्क्रीन आती है, बीच में ये डिजिटल है,
और इसका जो यूज है वो थोड़ा सा वही है ओल्ड वाला, इसको यहीं से सेलेक्ट करना पड़ता है। इसमें आपको फ्यूल इकोनॉमी, आपका टॉर्क और पावर भी बताता है ये, और क्लॉक मोशन या आगे टॉर्क पावर और एक्सेलरेशन कितना है और ब्रेक कैसा हो रहा है, टेम्परेचर बाहर का और आपके टाइम वाइम सब बता देता है ये। बाकी अब इसका हेड्सअप डिस्प्ले वो रहा, अगर आप हेड्सअप डिस्प्ले को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो उसके बाद वो बंद हो जाएगा। ये थोड़ा सा कूल है, अगर हेडसअप डिस्प्ले के बटन को आप दबा के रखे हैं लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वो अपने आप ही खुल जाएगा। अब बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की। ये 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ। अब मतलब इसका टच तो काफ़ी सही है, मतलब स्लीक टच है काफ़ी अगर देखें तो। और इसमें फिज़िकल कंट्रोल्स नहीं दे रखे, ये टच कंट्रोल्स हैं, मैं प्रेफर करता हूँ फिज़िकल कंट्रोल्स। अब बात करते हैं इसी की, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है इसमें। यहाँ थोड़ी सी क्रोम फिनिश दे रखी है और ये पूरे पियानो ब्लैक फिनिश दे रखी है, बढ़िया डिटेलिंग है। यहाँ आपके हज़ार्ड लैंप्स आ जाते हैं। नीचे आपका ये फ़ैन को बढ़ाना है घटाने के लिए है, ये टेम्परेचर, ये नॉब काफ़ी अच्छा है, ये स्लीक सा है, मज़ा आ रहा है इसमें, ठीक है। बाकी एसी ऑफ कर देते हैं, बहुत आवाज़ हो रही है। ये आपका एसी का हो गया, ये ऑफ़ करना है, ये अगर ऑटो, ये फ्रंट डिफॉगर, ये रियर डिफॉगर, ये आपको चेंज करना है, मतलब पैरों में हवा चाहिए, यहाँ से हवा चाहिए, तो ये उसका है। और ये आपका वेंटिलेशन का होता है। और बाकी इसमें ये थोड़ा डमी सा है, ये ऐसी लगा रखा है डमी सा, तो ये थोड़ा वही है फिनिशिंग का इशू है। बाकी आपका अगर डैशबोर्ड देखना है आपको, तो डैशबोर्ड में यहाँ ब्लू कलर है और यहाँ बीच में ग्रे और यहाँ ऊपर ब्लैक, काफ़ी अच्छा डुअल टोन फिनिश है। बाकी नीचे इसमें आपको एक USB चार्जिंग सॉकेट मिलता है और यहाँ 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, दो कप होल्डर मिलते हैं, आप यहाँ फ़ोन रख सकते हो इस ऐसे करके। 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स, आपका हैंड ब्रेक मिल जाता है इसमें, और इधर आपका आ जाता है ये हैंड रेस्ट। इसमें स्पेस भी है, हैप्पीडेंट रख रखे बहुत सारी, सिगरेट पीते हैं शायद भैया हमारे। और आपके ग्लव बॉक्स में डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस विद वन लाइट, डुअल पेन। एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस IRVM, तो ये ऑटोमेटिक IRVM आता है इसमें, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो एंड XUV 7W जो 30-32 लाख की आ रही है उसमें भी नहीं देते, ये 11 लाख में दे रहे हैं। और अगर मैं इसकी बात करूँ वैनिटी मिरर विद लाइट, बहुत ही बढ़िया। ये अगर हम इधर करें एक्सटेंड नहीं होता ये, ठीक है, ज़्यादा भी एक्सपेक्टेशन अच्छी नहीं होती। आपकी येलो लाइट मिलती है, इधर भी आपको वैनिटी मिरर विद लाइट मिलती है। और अगर सेफ्टी की बात करें, इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स आते हैं और 6 एयरबैग्स की प्लेसमेंट 2 आपके आगे होती है, 2 आपकी सीट में होती है और 1 कर्टेन लेफ्ट साइड और 1 कर्टेन राइट साइड। और बात करें अगर इसका म्यूज़िक की, तो इस गाड़ी में 6 स्पीकर्स आते हैं जो कि मतलब डिसेंट अमाउंट ऑफ मज़े दिला देते हैं। अब मैं अगर आपको गाना सुनाऊं तो देखो, मतलब गाड़ी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया स्पीकर्स हैं इसमें। 2 ट्विटर आ जाते हैं आपके और 4 स्पीकर आ जाते हैं। बाकी अब बात करते हैं गाड़ी के टच एंड फील की। फीचर्स मैंने आपको ज़्यादातर बता ही दिया। और बॉटल होल्डर तो सब गाड़ियों में होते हैं या फाइल स्पेस होती है, सब गाड़ी में होती है। बाकी अब बात करते हैं इसमें टच एंड फील की। सो स्टीयरिंग आपका लेदर रैप्ड आता है, टच एंड फील काफ़ी बढ़िया है। यहाँ लेदर आता है और यहाँ थोड़ा सा ये आई डोंट नो प्लास्टिक सी फील है, बट सही है, बढ़िया है, कोई मतलब ऐसा दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका प्लास्टिक, मतलब हार्ड प्लास्टिक का तो मारुति बादशाह ही है, हर जगह हार्ड प्लास्टिक ही है, ये भी हार्ड प्लास्टिक है, ये भी हार्ड प्लास्टिक है। एक जगह लेदर सॉफ्ट टच है और वो है ये, बस बाकी हर जगह हार्ड प्लास्टिक है, ये भी हार्ड प्लास्टिक, ये भी हार्ड प्लास्टिक, ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं करी हमने। बाकी सीट का अगर मैं कम्फर्ट बताऊँ, सीट काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया है इसकी, सीट कंफर्ट बहुत बढ़िया है, बहुत मतलब कुछ नहीं है, लेदर नहीं है ये सीट,
लेदर नहीं है, फैब्रिक है, बट काफ़ी अच्छी सीटें हैं, कंफर्ट भी बहुत अच्छा है। बाकी आपका हेडरेस्ट भी है और पीछे भी हेडरेस्ट है, दो हेडरेस्ट है, मिडल में नहीं है हेडरेस्ट। बस अब आते हैं इसकी सेकेंड रो सीटिंग पे। अब ये आगे जो है ये मेरे हिसाब से सेट है, मतलब जगह है यार काफ़ी, मतलब मैं बहुत पीछे कर रखी है ये, काफ़ी मतलब जगह है, ये थोड़ा सा फ्लफी हो रखा है वरना जगह इतनी है। थाई सपोर्ट भी डिसेंट अमाउंट का थाई सपोर्ट है। अब इसमें पीछे एमिनिटीज़ क्या आते हैं वो बताता हूँ मैं। यहाँ एसी वेंट्स आ जाते हैं, इसमें आप बंद कर सकते हैं इसे, और दो चार्जिंग पोर्ट आता है, एक यूएसबी और एक सी टाइप, भाई बहुत बढ़िया। और यहाँ थोड़ी सी स्पेस है फ़ोन ऑन रखने के लिए, जहाँ की भाई पता नहीं क्या रख सकता है, ठीक है। और पीछे जो है यहाँ आपका आर्मरेस्ट नहीं आता और बीच में आपका हेडरेस्ट भी नहीं आता, ये तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। बाकी पीछे स्पेस काफ़ी है, बढ़िया स्पेस है, मतलब हैचबैक के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्पेस है। पीछे यहाँ भी लाइट आ जाती है पकड़ने के लिए, ये भी है, तो पीछे भी ठीक है, डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस और बढ़िया है, ऐसा कुछ कमी नहीं है। बाकी हैचबैक से अच्छी है स्विफ्ट और क्या बोलते हैं मैं पंच देगी पंच, इन सबसे तो अच्छी स्पेस है इसमें। बाकी आपको पीछे भी दो सीट बेल्ट तो आपकी जो रेगुलर होती है वो है, बीच में इसके भाई चाइल्ड सीट बेल्ट है, और यहाँ आपका स्पेस है थोड़ा, आप सामान रख सकते हैं यहाँ पार्सल ट्रे में। बाकी पीछे और कुछ ऐसा एमिनिटीज़ नहीं है। अब बात करेंगे हम ये गाड़ी चलती कैसे है। इसका स्टेयरिंग बहुत बढ़िया है, बहुत लाइट है, और ये थोड़ा रॉकी सा पाथ है तो यहाँ बढ़िया टेस्ट हो जाएगा। गाड़ी चलने में बढ़िया है, पिकअप भी अच्छा है गाड़ी का, और सबसे अच्छा मुझे स्टेयरिंग लग रहा है इसका, बहुत ही लाइट स्टेयरिंग है गाड़ी, मतलब पेट्रोल गाड़ियों में नॉइस तो ऐसे होती नहीं, नॉइस नहीं है गाड़ी में। पिकअप देखते हैं पिकअप कैसा है गाड़ी का। यहाँ इसमें एक्सेलरेशन दिख रहा है आपको, एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, अगर मैं ब्रेक मारूंगा तो ब्रेक भी आएगा कि ब्रेक कितना कितना मैंने यूज़ करा। एक्सेलरेशन भी बढ़िया है गाड़ी का, पिकअप और सब बढ़िया है, बॉडी रोल तो हैचबैक में ना के बराबर होता है। गाड़ी चलाने में बहुत मतलब ऐसे मक्खन की तरह चलती है, मैं चल रहा हूँ तो। ये आपके रिवर्स कैमरा की क्वालिटी है जो कि मतलब काफ़ी सही है रिवर्स कैमरा की क्वालिटी गाड़ी के हिसाब से, और ये 360 डिग्री कैमरा है आपका, इसमें आपकी गाइडलाइंस भी आ जाती हैं रिवर्स कैमरा में भी, और आपके आगे वाले टायर की भी गाइडलाइंस आ जाती हैं। बाकी अगर आपको इस गाड़ी का रिव्यू देखना है तो हमारे चैनल में ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में क्लिक करिए, आप उसमें हमारी इस गाड़ी का भी रिव्यू देख सकते हैं। अब मेन बात करते हैं हम कि शुड यू अवॉइड इट या कंसीडर इट या शॉर्ट लिस्ट या सीधा आप जाके खरीद लें गाड़ी। तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी को आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। बाकी बात करूं अगर मैं इसके जो कंपेटिटर्स हैं, i20 है, इवन मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स है, फ्रॉन्क्स भी बढ़िया गाड़ी है, आपकी i20 भी बढ़िया गाड़ी है। फ्रॉन्क्स में आपकी क्या बोलते हैं थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस इससे ज़्यादा अच्छी है, बट वो पर्सनल प्रेफरेंस पे है कि भाई लुक्स कैसा पसंद आता है, क्योंकि इंटीरियर मोर और लेस सेम है दोनों गाड़ियों का, फ्रॉन्क्स का भी और इसका भी, और बाकी इंडिविजुअल प्रेफरेंस है आपकी कि भाई आपको कौन सी किसका लुक ज़्यादा पसंद आता है। बलेनो मुझे थोड़ी बल्की लगती है, फ्रॉन्क्स आपकी थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस में अच्छी है, वो भी खैर बल्की लगती है, ग्रैंड विटारा का बस छोटा भैया लगती है वो। बाकी i20 आपका अलग ही है, उसमें इंटीरियर अलग है और i20 में सब कुछ ही अलग है, उसमें सनरूफ भी आ जाती है, तो आप इसे मेरा ये कहना है कि आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, कि आप देख सकते हैं कि हाँ ये अच्छा ऑप्शन है आपके पास गाड़ी का, आपकी भगाने में भी अच्छी है ये, इंटीरियर भी अच्छा है इसका, और बाकी सेफ्टी में मैं हाँ थोड़ा सा मात खा सकती है गाड़ी। अब बलेनो ने कहा तो है कि ये थोड़ा पुरानी वाली बलेनो से ज़्यादा भारी गाड़ी है, थोड़ा ऐड करा है इसमें वेट, बट वही है अब इसका क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है तो मैं इतना इसमें कॉन्फिडेंट
नहीं रह सकता कि भाई ये मेरे को बहुत बढ़िया कि सेफ्टी प्रोवाइड कर पाएगी जैसे टाटा और ये सब गाड़ी करती है। बाकी ह्यूंडई की भी जो i20 है वो भी इतनी बढ़िया सेफ्टी में नहीं है, वो भी उसका भी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि भाई 4 स्टार या 5 स्टार दे रही है जैसे आपकी और गाड़ियाँ हैं। बाकी टाटा टियागो भी मुझे याद आई, टाटा टियागो और अल्ट्रॉज हैं वो गाड़ियाँ अच्छी हैं आपका उसमें क्या बोलते हैं, बस एक इशू है जो टाटा का है वो रिलायबिलिटी में कहीं आता है, जो कि मारुति सुजुकी का पहले से ही जब से वो कंपनी आई है वो रिलायबल गाड़ियाँ ही बना रही है, चाहे आपकी सेफ्टी नहीं है बट वो रिलायबिलिटी आपको देती है। ठीक है, आपको अगर कोई पार्ट चेंज भी कराना है मिनट से पहले आपका पार्ट उन पे अवेलेबल ही रहता है और काफ़ी सस्ते में भी चेंज हो जाता है। एक अगर आपका ORVM है तो भाई उसके 100 जगह चले जाओगे वो 100 जगह सेम पार्ट मिलेगा, वो चीज़ें टाटा आपकी प्रोवाइड नहीं कर सकती। और टाटा का इंटीरियर इतना ज़्यादा बढ़िया, थोड़ा जैसे इसमें हेडसअप डिस्प्ले 360 डिग्री कैमरा, टाटा का इंटीरियर इतना अच्छा नहीं मिलेगा, तो आप इस गाड़ी को डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। और इस गाड़ी या फ्रॉन्क्स में आपकी देखो पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी गाड़ी दिखने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, ये आपकी बलेनो है, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बाकी